ये दोस्तों आज पहला बार जो है सिंगरौली में हम लॉन्ग हॉल निकलते हो। 5.5 साल के नौकरी में पहला बार देखे हैं कि कोई गाड़ी थ्रू जा रहा है, वो भी अप में मेन लाइन से। हम आज तक अपने ड्यूटी में नहीं देखे थे। देखिए ये पूरा लॉन्ग हॉल भी बताए ही थे दोस्तों कि आज जो मेरे दादाजी के बड़े वाले भाई थे उनका देहांत हो गया था पिछले 10-12 दिन पहले। 22 तारीख को उनका देहांत हुआ था। तो दोस्तों उससे पहले हम बताना ये चाह रहे हैं कि अप्रेंटिस वालों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में हमारे चैनल पर। तो देख ही रहे होंगे कि हम अभी आ गए हैं ड्यूटी में, और ड्यूटी में आते के साथ साइन ऑन किए और हमको झिंगुर्दा लाइन भेज दिया गया। देखिए यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है स्टेशन, और लोड निकल के लोडेड गाड़ी साइडिंग से निकल के कोयला लोड होने के बाद यहाँ पे आके खड़ा था। तो जो हमारे शिफ्ट वाले पिछले शिफ्ट वाले भाई थे वो निकाल के चले गए क्योंकि उनका ड्यूटी हो गया ख़त्म। अब हमको जो है स्टेशन से बोला गया कि जाके बैक करा लीजिए। तो वहाँ से चलते चलते 2 किलोमीटर पैदल आए हैं, और क्योंकि ब्रेक वाहन था तो यहाँ पर आदमी आना मतलब रहना कंपलसरी है, इसी कारण से आ गए हैं यहाँ। और इस वीडियो में एक सरप्राइज है जो आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं कि मैथ का एक चैप्टर उठा के और एक लेक्चर में मतलब एक वीडियो में लेक्चर नहीं कहिए वीडियो में 1.5-2 घंटे के वीडियो में वो पूरा चैप्टर एक हद तक उस लेवल तक ले जाया जाए जहाँ जाने के बाद मतलब प्री का क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, या फिर आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी या NTPC इजी चैप्टर लेंगे, और उसमें से जो है हमारे लिए तैयारी के लिए भी बहुत सही रहेगा और आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। तो मतलब 2 से 3 दिन में ये वीडियो जो है सरप्राइज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। मैथ का चैप्टर रहेगा, कौन सा रहेगा ये उसी समय देखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल चल रहा है, तो हमारे दादाजी के बड़े भाई जो थे उनका देहांत हो गया था बहुत दिन पहले, इसी कारण से हमारा दिवाली भी नहीं हो पाया और छठ भी नहीं हो पाएगा इस बार। घर भी नहीं गए इसी कारण से, जब हो ही नहीं रहा है घर पे तो जाने से कोई मतलब नहीं है। तो आज उनका जो है 12वां है या 10वां जो कहिए, तो आज हमको टकला भी होना है। डे ड्यूटी में हैं तो कभी समय निकाल के 10-15 मिनट के लिए चले जाएंगे स्टेशन के नीचे, टकला हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अब इस गाड़ी को बैक कराते हैं, यार्ड में ले चलते हैं। हम लोगों को मिल गया है सिग्नल, अब इस गाड़ी को धीरे धीरे बैक करके यार्ड में ले जाएंगे और फिर आगे का आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये जो पुल का पिलर वगैरह दिख रहा है पिछले 5 साल से ये ऐसे ही है। हम लोग जब से आए हैं तब से सुन रहे हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। इधर से एक हाईवे है जो कभी कभी हम लोग जाते रहते हैं इधर से उस पर, तो ये बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा। और इनको तो पहचान ही रहे हैं अपने प्रयाग भैया को। और एक बहुत ही बड़ा न्यूज है जो भारत और रसिया के बीच एक समझौता हुआ है कि इंडियन टूरिस्ट को अब फ्री वीजा दिया जाएगा। तो हम और प्रयाग भैया सोच रहे हैं कि जाके रसिया हो ही आते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं प्रयाग भैया? हम नहीं जाएंगे, आलोक जाएगा। अरे हम और आप चलिए, दोनों आदमी पासपोर्ट बनवाते हैं यहाँ तो, और रसिया जो है घूम आते हैं दोनों आदमी। अरे जब वीजा का पैसा लगेगा ही नहीं तो आने जाने का और रहने खाने का 5 लाख रुपया में हो जाएगा दोनों आदमी का, समझे? और 2-3 गो रसियन के लेते आएंगे। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं दोस्तों, सीरियस मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर पासपोर्ट बन जाए और माल पानी का जुगाड़ हो जाए तो घूम ही आएंगे रसिया, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा कंट्री है। आग भैया मिलके, दोनों आदमी मिलके इस MT को सप्लाई करेंगे, ले जा रहे हैं साइडिंग में S4-1 में। और देखिए आज वाला जो ब्रेक वाहन है वो बहुत ही अच्छा है, इसका सीट भी बहुत अच्छा है और पेपर है छिटाया हुआ, ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन और सब ब्रेक वाहन जो हमको मिला था जिसका कंडीशन ख़राब था उससे तो ज़रूर ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी इस साइडिंग में ले जाके प्लेस करेंगे। जो मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
पॉइंट्समैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं, हम लगभग का तो रिप्लाई देते ही हैं। ठीक है दोस्तों, साइडिंग में एम्प्टी नहीं है और नज़ारा देखिए पूरा यही है एरिया जहाँ पे कोल लोडिंग होता है, खदान से यहाँ शिफ्ट करके लाया जाता है बड़े बड़े गाड़ियों के द्वारा और यहाँ पे लोडर से लोड होता है। पानी का छिड़काव हो रहा है दोस्तों, ये दोस्तों आज पहला बार जो है सिंगरौली में हम 5.5 साल के नौकरी में पहला बार देखे हैं कि कोई गाड़ी थ्रू जा रहा है, वो भी अप में मेन लाइन से, हम आज तक अपने ड्यूटी में नहीं देखे थे। देखिए ये पूरा हाँ लॉन्ग हॉल, भी लॉन्ग हॉल का मतलब हो गया दो गो माल गाड़ी को जोड़ के चलाया जा रहा है। देखिए एक पार कर गया, एक अभी साथ में आ रहा है, उधर देखिए इंजन लगा हुआ है। आजकल ईसीआर वाला ड्राइवर सुधर गया, ये जो झंडी दिखा रहे हैं उधर देखिए उड़ता हुआ, वही उसी को ऑल लाइट बोलते हैं, ऑल लाइट एक्सचेंज करना। ये देखिए पूरी गाड़ी दो रेक एक साथ में चलता है, उसी को लॉन्ग हॉल बोलता है। बताए ही थे दोस्तों कि आज जो मेरे दादाजी के बड़े वाले भाई थे उनका देहांत हो गया था पिछले 10-12 दिन पहले, 22 तारीख को उनका देहांत हुआ था। तो उनका जो है आज वहां पे घर पे सब लोगों को बाल बाल छिलवाना था, जो भी होता है अपने हिंदू धर्म में, तो हम यहां पे छिलवा लिए हैं और ड्यूटी में ही थे उसी समय जो है समय निकाल के टकला हो गए और अभी आ गए हैं और रूम पे आ गए हैं, नहा वहा लिए हैं अच्छे से और अब उस क्वार्टर पे जाएंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम बताना ये चाह रहे हैं कि अप्रेंटिस वालों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया था कि कोई अप्रेंटिस जो किए हुए हैं वो विद्यार्थी अगर ये जो नॉर्मल जो लड़का है जो आईटीआई या फिर विदाउट आईटीआई वालों के बराबर मार्क्स ले आता है, ठीक है ना, तो उनको एज ए नॉर्मल कैंडिडेट में रख के ट्रीट करके उनका मेरिट बना के और उनको पोस्ट दिया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा अप्रेंटिस वालों के लिए कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ जाएगा, वो ऐसे बढ़ जाएगा कि उनके लिए पहले तो हॉरिजॉन्टल 20% रहता ही था जो सीट है उसमें रिजर्वेशन, और उसके अलावे जो सीट जो भी है जो ज़्यादा मेरिट वाला बंदा होगा उनका इधर सिलेक्शन हो जाएगा, और जो थोड़ा सा कम मेरिट वाले बंदे हैं उनका अप्रेंटिस में के कैटेगरी के थ्रू रिजल्ट हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और रह गए बात जो जनरल कम्पिटिटिव से आईटीआई वाले या फिर जनरल कंपटीशन से जो इधर आपका विदाउट आईटीआई वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है। रेलवे देखिए छोटा सा एक बदलाव किया और उनके लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो गया, और एक तरफ डिसएडवांटेज, अगर मान के चलिए 50,000 से 60,000 सीट आता है उसमें से अगर 500 सीट भी ऐसे बंदे अगर ले जाते हैं तो 500 लड़का का तो चला गया, लेकिन ठीक है अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से एनएससी से तो उनको कुछ बेनिफिट मिलना ही चाहिए जो कि जायज है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही, अभी जाएंगे उस क्वार्टर पे खाना वाना बना लेंगे। और एक बड़ा ही अजीब घटना घटा है आज स्टेशन पर, वो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।